तो महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने वो फैसला जो शिंदे गुट के पक्ष में दिया है और शिंदे गुट को ही असली शिवसेना कहा। स्पीकर ने पूरा यहां एक्सप्लेन करते हुए एक पॉइंट सामने रखा और जिसके बाद देखिए उद्धव गुट को जाहिर तौर पर बड़ा झटका लगा है और एक घंटे से भी ज्यादा का समय और अभी भी पढ़ा जा रहा है फैसला स्पीकर की तरफ से। 65 मिनट हो चुके हैं इस फैसले को पढ़ते हुए और सीधे सीधे यहां पर उद्धव गुट को बड़ा झटका स्पीकर की तरफ से लगा है। दलीलों को खारिज कर दिया है स्पीकर ने और कहा कि असली शिवसेना शिंदे गुट की शिवसेना ही है। साथ ही उन्होंने नियमों का हवाला भी दिया तो उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है। स्पीकर ने साफ करते हुए यह फैसला सुना दिया कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर का फैसला शिंदे के पक्ष में आया है। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, हालांकि अनुमान ऐसा था, उद्धव ठाकरे गुट को पहले से ही इस बात का अनुमान था कि फैसला शिंदे गुट के पक्ष में जा सकता है और स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया। 65 मिनट से वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों का जिक्र करते हुए, संविधान में नियमों का किस तरीके से हवाला दिया गया और उसके बाद ये राहत शिंदे गुट को। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एक्सेप्ट दैट द लेजिस्लेटर्स हैड गॉन इनकम्युनिकाडो। रिस्पोंडेंट्स हैव प्लेस्ड दैट दे हैव बीन इन टच विद द यूबीटी फैक्शन। They substantiated it by stating that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents on 21st June 2022 on the instructions of Shri Uddhav Thackeray. This fact was not denied by the petitioner Shri Sunil Prabhu when a suggestion was put to him in the cross-examination. In fact, the petitioner admitted that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. Also, three of the witnesses for respondents have testified that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. On 21st June 2022, on the instructions of Shri Uddhav Thackeray, the testimony stood the test of cross-examination and the petitioner. तो देखिए फैसला 65 मिनट से फैसला पढ़ रहे हैं स्पीकर और ये फैसला शिंदे गुट के पक्ष में गया, लेकिन अब इस पर रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। जितेंद्र आवाड की तरफ से कहा गया है कि ये तो होना ही था। शरत गुट की पहली प्रतिक्रिया इस फैसले पर, जितेंद्र आवाड जिनका कहना है कि ये तो होना ही था, तो अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी बढ़ती ही जाएगी और पहला रिएक्शन शरत गुट की तरफ से सामने आ गया है। फैसला जो स्पीकर ने पढ़ा और उसमें यह फैसला सीधे सीधे उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका है और शिंदे गुट के लिए राहत और बहुमत का आधार बताकर फैसला दिया है, ऐसा स्पीकर की तरफ से कहा गया है। स्पीकर अभी भी महाराष्ट्र पर फैसला सुना रहे हैं, लेकिन फैसला सीधे सीधे राहत है शिंदे गुट के लिए, जिनकी उनके साथ जो तमाम विधायक हैं उनकी अयोग्यता को लेकर जो ये फैसला सामने आना था, अब वो फैसला आ गया है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर और देखिए अब शिंदे समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। हालांकि तैयारियां दोपहर से ही हो गई थी क्योंकि 4 बजे से ही इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था और पिछले 65 मिनट से ये फैसला पढ़ा भी जा रहा है। मैडम, जो फैसला आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? रिजल्ट तो आने वाला था, पॉजिटिव ही थे हम लोग, सिर्फ अभी इंतजार कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा और हम लोग फटाकड़े फोड़ेंगे। अभी उनको देखना चाहिए कि घटना भाई और सरकार जो हमको बोल रहे थे हमेशा को का ये वो, हमने कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया। हम लोग सिर्फ काम और काम कर रहे थे और ये हमारे कामगिरी का, हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब का साहस का और पेशेंस का ये रिजल्ट है जो लोगों जो आज सत्य के इसमें उन्होंने दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि ये जो है बाला साहेब भवन है जहां पर शिंदे गुट के पार्टी दफ्तर और यहां पर भारी तादाद में यहां पर जो है मिठाइयां, देखिए यहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तस्वीरें क्या किस तरह से खुशी आप देखिए कि ये मिठाई यहां पर खिलाई जा रही है और इस तरह की तस्वीरें यहां से आ रही हैं शिंदे गुट के दफ्तर के बाहर से। तो जो ये फैसला आया है इसको लेकर के जो है भारी खुशी जाहिर की जा रही है। क्या कहें शिवसेनेचा जीत को लेकर के किस तरह से खुशी जाए? जीत को लेकर खुशी बहुत बड़ी है, बाला साहब के विचारों की जीत है ये।
बाला साहेब के विचारों की जीत है ये। शिंदे साहिब भी इस देश को नेतृत्व, महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं, वे लोगों को दिखा दे। तो ये बाला साहेब के विचारों की जीत है। और आप देखिए कि शिंदे गुट का जो यहाँ पर पार्टी दफ्तर है वहाँ पर जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। भाई साहब आप भी पहले मिठाई खा लीजिए, किस तरह से खुशी जाहिर करेंगे? शिंदे साहब का ये निर्णय बराबर से आया है, शिंदे साहब का काम बराबर चल रहा है, इसके लिए शिंदे साहब ही आएंगे। मिठाइयाँ यहाँ पर, मिठाइयों के डिब्बे खुल गए हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मुंबई के उस शिंदे पार्टी दफ्तर के बाहर से, जहाँ पर जैसे ही फैसला आया है उसके बाद यहाँ पर जश्न का माहौल है और लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं। कैसे खुशी है? आप भी खा लो। क्या कहेंगे फैसले को लेकर के, आप लोग क्या कहेंगे? ये शिंदे साहब की जीत है, बाला साहब विचारों की जीत है। शिंदे साहब ये अपने महाराष्ट्र को बड़ा बना सकते हैं, ये एक आम आदमी की जीत है। ये तस्वीरें हैं मुंबई के शिवसेना दफ्तर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहां पर बाला साहेब भवन है, शिंदे गुट का पार्टी दफ्तर है, वहां पर जैसे ही ये फैसला है सबकी नजरें टेलीविजन पर टंगी थी। और जैसे ही देखिए, मुझे भी, मेरा भी मुंह मीठा यहाँ पर करवाया जा रहा है, मुझे भी मिठाइयाँ खिलाई जा रहा है, आप भी खाइए, आप भी खाइए। तो इस तरह से एक दूसरे को मिठाई खिला करके यहाँ पर खुशी जारी। सत्य में हो जाए थे, सत्य की जीत होती है। शिंदे साहब एक में बनेता है, इनके विश्वास में हम सब शिव सैनिक उनके साथ है, सैनिक हम साथ हैं शिंदे के। और ये जो है सत्यमेव जयते के साथ यहाँ पर देखिए झंडे निकल आए हैं, झंडे निकल आए हैं। सर क्या कहेंगे ये जो जीत हासिल हुई आप लोगों को? देखिए आज सच्चाई की जीत हुई है। आदरणीय एकनाथ राव शिंदे जी जो हमारे मूल शिवसेना के नेता है, उसको हमारे जो जज थे राहुल नार्वेकर जी लवाद के प्रमुख, उन्होंने आज साफ साफ निर्णय दे दिया है कि एकनाथ शिंदे जी के साथ जो 50 विधायक 40 प्लस 10 50 और 18 13 खासदार वही सच्ची शिवसेना है। उनके साथ सारे जिलाध्यक्ष, सारे विभाग अध्यक्ष, सारे शिव सैनिक और इस महाराष्ट्र की जनता उनके पीछे है। और सारे आर्टिकल 10 के तहत अगर देखा जाए तो यही असली शिवसेना है, इन्हीं का नाम शिवसेना है और इन्हीं का चिन्ह धनुष बाण है। ये खुशियाँ, ये जो नारे लग रहे हैं ये खुशियाँ हैं। देखिए मिठाई खाने के बाद किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं शिंदे गुट के ये जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो शिंदे गुट ये बहुत बड़ी अपनी जीत इसको मान रहा है और यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर कर रहा। जैसे ही फैसला आया, फैसला जब पढ़ा जा रहा था तो सबकी नजरें टेलीविजन पे थी लगातार, जो एकदम शांति के साथ सारे लोग फैसला सुन रहे थे। लेकिन जैसे फैसला आया कि ये पार्टी जो है पूरा फैसला शिंदे एकनाथ शिंदे गुट के फेवर में आया है, तो उसके बाद देखिए सभी लोग यहाँ पर पार्टी दफ्तर के बाहर आ गए, मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई और उनका यही कहना है कि ये सत्य की जीत है, बाला साहेब ठाकरे के विचारों की जीत है। तो इस तरह से ये तस्वीरें बदल चुकी हैं मुंबई के इस परिसर में। थोड़ी देर तक जहाँ पर कुछ दिनों थोड़ी पहले यहाँ सन्नाटा था, अब यहाँ पर खुशी का माहौल है शिंदे पार्टी दफ्तर के बाहर। तो इस तरह से फैसले के बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। शिंदे गुट के जो समर्थक हैं वो अब जश्न की पहले से ही तैयारी कर चुके थे और इसे वो एक बड़ी जीत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आज जीत पहले से ही तय थी, सत्य की जीत होगी ऐसा उन्हें विश्वास था। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर ही सबकी निगाह टिकी हुई थी कि आज क्या फैसला आता है। लेकिन यहां पर अब इस फैसले के साथ ही ये साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे मौजूदा मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर उनकी योग्यता जाती तो यहां सीधे सीधे उनकी कुर्सी पर खतरा आता और फिर सरकार का क्या भविष्य होता इसको लेकर भी कई तरीके की जो बातें हैं, जो समीकरण है वो बैठाए जा रहे थे। लेकिन आपको तस्वीरें तो हम दिखाई दे रहे हैं, हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर नजर गड़ा कर बैठे हैं और उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट आपने देखी, अब कृष्णा का रुख करते हुए। कृष्णा फैसला सामने, एक लंबा चौड़ा फैसला दिया, 65 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया स्पीकर ने और उसके बाद ये फैसला जो है शिंदे के पक्ष में।
देखिए बिल्कुल शीरिन, एक घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगातार स्पीकर जो है वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं और ये तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं जी। ठीक है, हम करेंगे रुक एक बार फिर से हमारे सहयोगियों का, लेकिन आप जरा तस्वीरें देखिए। तस्वीरें महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि दोनों ही गुटों के समर्थक जो हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस फैसले आने के पहले से ही एक जो आशंका है फैसले को लेकर वो दिखाई दे रही थी उद्धव ठाकरे गुट के खेमे में, और दूसरी तरफ जो शिंदे गुट है वो पहले से ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था कि जीत हमारी होगी। और अब देखिए ढोल नगाड़े शुरू हो गए हैं, मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज फैसले का इंतजार और अब फैसला सामने। उद्धव गुट को झटका, सीधे सीधे यहां पर जो राहुल नार्वेकर स्पीकर, उनकी तरफ से यह कहा गया कि नियमों को ताक पर रखा गया था और जो बहुमत का आधार उसे बताया, बहुमत को आधार बताते हुए कहा कि तमाम दलीलों को खारिज करते हुए शिंदे को सही ठहराया गया है और शिंदे गुट को यहां पर उसके फेवर में ये फैसला आया है। शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य नहीं है, स्पीकर ने ये साफ कर दिया अपने इस फैसले में। और ढोल नगाड़ों के साथ अब जरा जश्न की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जश्न और नासिक में भी जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता इस वक्त काफी उत्साहित हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट को ये बड़ी जीत मिली है और किस तरीके से ताकत बढ़ी है आप इसे इन कार्यकर्ताओं के जोश से जरा समझिए। पार्टी का चिन्ह लेकर और वही पताका लेकर विजय जैसा जश्न आज मनाया जा रहा है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
वो आगे ये भी कह रहे थे कि यूबीटी गुट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरे इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल है, आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी है कि नहीं उनके पास। दूसरी बात आप कह रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पर दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पर जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूँगी ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जो निराश साफ तौर पर इस फैसले के बाद दिखाई दे रही हैं, जश्न का माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा है। आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी राजेश के पास। राजेश, जश्न शुरू हो चुका है, उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो पार्टी जीती है मैं इस पार्टी के दफ्तर पर हूँ, शिंदे गुट की जो पार्टी दफ्तर है वहां पर हूँ, और शिंदे गुट की प्रवक्ता मेरे साथ है। मैडम, जो ये जीत हासिल हुई है, कांग्रेस कह रही है, शिवसेना कह रही है कि ये तो पहले से डिसाइड था, मैच फिक्सिंग था, क्या कहेंगी? मुझे सबसे पहले तो ये बात आज पूरी दुनिया को छाती ठोक कर सीना तान कर बतानी है कि हम अब शिंदे गुट नहीं है, हम शिवसेना है, हम सच्ची शिवसेना है, हम बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, हम धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिवसेना है। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं मैच फिक्सिंग का, उनका तो नाचना आए आंगन टेढ़ा है। आज का जो भी कुछ जजमेंट आया है, ये जजमेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान का विजय है, क्योंकि ये इस निकाल ने, जजमेंट ने बताया है कि कोई भी एक इंसान अनकॉन्स्टिट्यूशनली पक्ष प्रमुख के पद पर बैठकर मेजॉरिटी को वो नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो फिर आज मुझे यहाँ पर उद्धव जी वाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य जी वाकरे को पूछना है कि आप हर बार घटना भाई मुख्यमंत्री बोलते थे, अरे लेकिन आज तो आप खुद डिस्क्वालिफाई हुए, पक्ष प्रमुख ये पद ही बाला साहब ने नहीं निर्माण किया था, तो घटना भाई पक्ष प्रमुख तो खुद उद्धव साहब, आप खुद घटना भाई पक्ष प्रमुख है, सच्ची शिवसेना शिंदे साहब के पास है, और आज मुझे तहे दिल से यकीन है कि आज स्वर्ग में से बाला साहब के आत्मा को भी बहुत खुशी होती होगी। ठीक है, मेरा एक सच्चा शिव सैनिक, मेरा एक गरीब शिव सैनिक, मेरा एक किसान का बेटा जी राजेश महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हुआ है, उन्हें खुशी होती होगी। देखिए देखिए ये तस्वीरें, और जिनका कहना है कि आज से हम शिंदे गुट नहीं है, आज से हम शिवसेना है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो बात सामने आई है, जो यहाँ पर ये शिवसैनिक है उनमें, ठीक है राजेश, आप थोड़ी और तस्वीरें दिखाइए। अब देखिए शिंदे गुट तो कह रहा है कि हम ही असली शिवसेना, इस फैसले से साफ हो गया। हम जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से मुंबई से लेकर नासिक तक में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही है, जो पार्टी का झंडा है वो लहराया जा रहा है विजय पताका के तौर पर। तो देखिए नारेबाजी हो रही है, अलग अलग तरीकों से अब जश्न मनाया जा रहा है, और इसे एक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत इस फैसले के बाद। लेकिन कृष्णा, अब सवाल ये कि अब आगे क्या, फैसला तो आ गया, उद्धव गुट को बड़ा झटका, अब आगे क्या होगा महाराष्ट्र की सियासत?
देखिए शीरिन, फैसला जो है वो शिंदे के फेवर में आया है और राहुल नार्वेकर ने जो टिप्पणियां की है वो बेहद ही तल्ख टिप्पणियां थी उद्धव गुट को लेकर। और इसके बाद अब उद्धव गुट के पास जो रास्ता बचता है वो रास्ता ये बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के अगेंस्ट हलफनामा दायर करे। तो आगे जो ठाकरे गुट के पास जो रास्ता बचा है वो एकमात्र रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में कब जाती है और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। जाहिर है अभी रिएक्शन क्योंकि आने बाकी हैं और रिएक्शन धीरे धीरे आएंगे भी सामने। हमने देखा कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने वो तो निराशा साफ तौर पर, और ये भी कहना है कि नियम ताक पर रखे गए। शरद गुट की तरफ से भी रिएक्शन आ गया। इस मामले में अब आगे राजनीति बढ़ेगी कृष्णा, और अभी क्या कोई और रिएक्शन पार्टी की तरफ से कि आगे क्या कदम उठाया जा सकता है? मैं बात उद्धव गुट की कर रही हूं। देखिए शीरिन, इस वक्त भी अंदर जो है वो राहुल नार्वेकर फैसला सुना ही रहे हैं। अभी तक पूरा फैसला जो है वो डिटेल्ड फैसला विधायकों तक पहुंचा नहीं है, तो अभी कुछ समय और लग सकता है। हालांकि जो उद्धव गुट के विधायक हैं उनके तरफ से रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो गया है। लोग फैसले की निंदा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कोर्ट का रुख जो है वो अपनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे का खेमा है वहाँ पर जो है वो जस्ट शुरू है, और मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई से सटे जितने भी शहर है, बाकी पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के जो समर्थक है या कहे कि शिवसेना के जो समर्थक हैं वो इस वक्त जश्नबाजी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल नार्वेकर जो है उन्होंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। और फैसला सुनाते वक्त ये कहा है कि 1999 का जो शिवसेना का जो संविधान था उसी संविधान को माना है, 2018 के संविधान को मानने से इनकार कर दिया है। और तल्ख टिप्पणी करते हुए राहुल नार्वेकर ने यह भी कहा था कि सिर्फ अगर उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे नहीं पसंद है तो इस बिना पर उद्धव एकनाथ शिंदे को नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसी कई सारी जो है तल्ख टिप्पणियां राहुल नार्वेकर की तमाम टिप्पणियों को साथ में रखते हुए सामने रखते हुए ये फैसला राहुल नार्वेकर का, और अब यहाँ झटका तो उद्धव गुट को लगा ही है। अब देखना होगा कि आगे उद्धव गुट की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। महाराष्ट्र में फैसला आ चुका है, जिस फैसले का इंतजार कर रहे थे वो फैसला एकनाथ शिंदे गुट के समर्थन में आया है, और इसी के साथ उनकी कुर्सी पर जो खतरा नजर आ रहा था वो अब हट गया है, टल गया है। और देखिए किस तरीके से जश्न शुरू हो गया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं शिंदे गुट के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो खुशियां मना रहे हैं और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। शिंदे गुट के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ फैसला जब सुनाया जाना बाकी था उसके पहले से ही इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए थे, और अब देखिए कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसी बीच स्पीकर के फैसले का असर भी आपको समझा देते हैं। देखिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, महाराष्ट्र सरकार को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। तीसरी बात, शिंदे के साथ के सभी विधायकों की सदस्यता बरकरार है। उद्धव ठाकरे के गुट को यह बड़ा झटका लगा है स्पीकर के फैसले का असर। उद्धव ठाकरे की पार्टी असली शिवसेना नहीं है, तो ये कुछ पॉइंट्स के जरिए हमने आपको इस पूरे फैसले का असर क्या होगा महाराष्ट्र की सियासत में ये हमने आपको समझाया, क्योंकि जिस खतरे को लेकर डर बना हुआ था शिंदे गुट में सरकार में वो खतरा अब खत्म हो चुका है। और देखिए अब खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न की तस्वीरें, ढोल नगाड़ों से लेकर मिठाइयां बांटने तक हर तरह की तस्वीरें आप देखने को मिल रही हैं महाराष्ट्र में, मुंबई से लेकर नासिक तक। नासिक की तस्वीरें हैं ये, मुंबई में एकनाथ शिंदे गुट के दफ्तर के बाहर से भी इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं सामने, और लोग कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक दिन है, ये बड़ी जीत है, और इस फैसले ने ये तय कर दिया है कि आखिर कौन असली शिवसेना है। राजेश त्रिपाठी के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। राजेश, दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास, कैसा जश्न मनाया जा रहा है? जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो उद्धव गुट का जो उद्धव गुट की सेना है उसका जो पार्टी दफ्तर है उसके बाहर भी आप देखें कि सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है यहाँ पर कई गाड़ियाँ, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद यहाँ पर उद्धव गुट के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है बाहर आ गए और उन्होंने काले झंडे दिखाए हैं।
जी हाँ, उन्होंने अपना विरोध इसको जताया है और काले झंडे दिखाकर जो है विरोध प्रदर्शन किया है, जिसको देखते हुए अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के और भी इंतजाम किए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन योगेंद्र से दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि ये जो शिवालय है, आप तस्वीरें देखिए कि ये जो शिवालय है ये उद्धव गुट शिवसेना का ये पार्टी दफ्तर है और यहाँ पर जो है जैसे ये फैसला आया था उसके बाद जो है काले झंडे दिखाए गए और फिर यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई पुलिस की गाड़ियां पर लगा दी गई क्योंकि हो सकता है कि इसका ये विरोध जो है थोड़ा आगे बढ़ सकता था, जो है दोनों गुटों में जो है विवाद हो सकता था, इसको लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। दोनों पार्टी दफ्तर आसपास में हैं, अगल बगल में हैं। एक तरफ जहां जश्न मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ विरोध किया जा रहा था और इसको देखते हुए पुलिस ने ये सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। तो इस तरह की लगातार तस्वीरें ये दिख रही हैं मंत्रालय के बाहर, जहां पर इन पार्टियों के दफ्तर हैं, जहां पर फैसले का इंतजार था दोनों पक्ष को, लेकिन जब फैसला आया तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन किए गए, काले झंडे दिखाए गए। मैं इस वक्त आपको ये तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दिखा रहा हूँ, ये शिवालय के बाहर है, शिवालय जो उद्धव गुट की पार्टी का सेना दफ्तर है। तब गुट के दफ्तर के बाहर की सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है क्योंकि कुछ कार्यकर्ता, कुछ समर्थक वहां पर काले झंडे लहरा रहे थे क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, जाहिर तौर पर क्योंकि उद्धव गुट के लिए ये बड़ा झटका है फैसला। और तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा तस्वीरें आप देखिए। तो एक तरफ निराशा, दूसरी तरफ जश्न। जश्न कैसे मनाया जा रहा है देखिए, गुलदस्ता लेकर पहुंच रहा है कोई, कोई मिठाइयां लेकर पहुंच रहा है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही। हम लोग के यहाँ पे तो दशहरा दिवाली जैसा जल्लोष चल रहा है। मुख्यमंत्री को अभी तक सब लोग बोल रहे थे कि घटना बाह्य मुख्यमंत्री है, बट आज सबको पता चल गया कि ये घटना बाह्य नहीं है। मुख्यमंत्री की जो अभी तक के हम लोग ने सब देख रहे कि मुख्यमंत्री साहब रात के 3-3, 4-4 बजे तक काम करते हैं, जो उनकी मेहनत है वो आज रंग ला गई है लोगों ने और पूरे महाराष्ट्र ने उनको पसंद ही की है जो आज दिखाई दे रही है। नहीं, जो होगा वो तो देखा जाएगा, ऐसे था, बट हम लोगों को पता था कि हम लोग के मुख्यमंत्री जी आज काम कर रहे, जो लोग देख रहे, जनता देख रही है और जनता पसंद भी कर रही है। तो खुश है लोग जो शिंदे गुट के समर्थक हैं, और देखिए जरा किस तरीके से डांस किया जा रहा है और ढोल नगाड़ों की थाप पर खुलकर जश्न मनाया जा रहा है। और इन तमाम समर्थकों का यही कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर, जिन्होंने शिंदे गुट को ये बड़ी राहत दी है अपने फैसले में।